नारी जन जागृति संस्थान द्वारा श्री ब्रह्म धाम में आयोजित श्रीमद देवी भागवत कथा के चतुर्थ दिवस बुधवार को सती जन्म का वृत्तांत सुनाया गया। इस दौरान साध्वी कमलेश सरस्वती मानस चकोरे जी ने बताया कि महाराज दक्ष के यहाँ सती जी का जन्म हुआ, इसके पश्चात भगवान शंकर से उनका विवाह हुआ। साध्वी चकोरे ने कथा का रसपान करवाते हुए बताया कि भगवान शंकर एवं सती सत्संग करने के लिए कुंभज जी के यहाँ जाते हैं। जब भगवान शंकर एवं सती जी ने सत्संग सुनने पहुंचे तो वहाँ पर अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर का सम्मान किया तो उन्हें शंका हो गई। साध्वी ने कहा कि किसी पत्नी को पति एवं संत में अविश्वास नहीं करना चाहिए, अविश्वास करने से उसका पतन हो जाता है। शादीशुदा पत्नी को अपने पति के आज्ञा के बिना मायके में नहीं जाना चाहिए। जैसे सती जी का हुआ, उन्हें अपना शरीर का त्याग करना पड़ा। जीव को सदैव ही निरंतर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। कथा के दौरान सती जी के शरीर के नौ खंडों से नव दुर्गा रूप प्रकट हुई, जिनका सब लोगों ने पूजन किया। कथा के दौरान नारी जनजागृति संस्थान के पदाधिकारियों सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।